प्रिय दोस्तों, नवजीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में शास्त्री जॉनसन सी फिलिप पवित्र बाइबल से मर्मस्पर्शी संदेश प्रस्तुत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत आशीष देंगे। हम लोग नियमित रूप से उनके इन हृदय स्पर्शी वीडियो को यहाँ पोस्ट करते हैं। इन नए वीडियो के बारे में अपने आप जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे पहले सब्सक्राइब बटन को और उसके बाद घंटी की बटन को दबाएं। बस हो गया काम, अब नए वीडियो की सूचना घर बैठे अपने आप आपको मिल जाएगी। इस सत्संग में हम लोग प्रभु के वचन पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं। पवित्र बाइबल में भाई, पवित्र बाइबल तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। उसमें शुरू से आखिर तक हम पिछले साढ़े तीन साल से हमने बहुत सारे हिस्सों का अध्ययन किया। पिछले कुछ हफ्तों से, या कहा जाए तो पिछले कुछ महीनों से, अपन लोग प्रभु यीशु के जीवन और प्रभु यीशु की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाओं में एक बहुत प्रसिद्ध है, जो प्रभु ने एक पहाड़िया के ऊपर से दी थी, इसलिए वो पहाड़ी उपदेश या पर्वतीय उपदेश भी कहलाया जाता है। हम उसका अध्ययन कर रहे थे, उसके साथ साथ प्रभु ने जो कार्य किए थे उसका भी अध्ययन करते जा रहे थे। पिछले हफ्ते हमने उस घटना का अध्ययन किया था जहाँ एक पूरे सूबे के ऊपर जो सैनिक अफसर है, सूबेदार, वो प्रभु के पास आता है और प्रभु से याचना करता है। आज हम एक और घटना का अध्ययन करेंगे। मेरे जीवन में मेरे पापा ने मेरे लिए जो सबसे बड़ा कार्य किया था, जब मैं नवी में पढ़ रहा था, तब मेरी इच्छा थी कि परिवार में एक जो कॉमन बाइबल है उसमें से पढ़ने के बदले मुझे अपनी बाइबल मिल जाए। नवी क्लास में जब मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, तब पापा ने जो बहुत बड़ा कार्य मेरे लिए किया वो ये था कि हिंदी में एक पवित्र बाइबल खरीद के मुझे दिया। उस समय सबसे महंगी बाइबल थी हिंदी में वो। आज भी वो पुस्तक मेरे पास है। नवी में मैं था, मैं इसका मतलब है नवी से पास हुआ, इसका मतलब मैं 1970 की बात कर रहा हूँ। 70 से आज 50 साल हो गए हैं। 50 साल में बाइबल की हालत बड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन मैंने उसको फेंका नहीं है। मेरी अलमारी में यादगार के रूप में रखा हुआ है। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, 3-4 साल पहले मैंने ख़रीदा है और मेरी उम्मीद है कि ये जीवन भर मेरे साथ चलेगा। मुझे जब मेरे पिताजी ने पहली बाइबल खरीद कर दी, तो उसके कारण मुझे जो आनंद हुआ मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। फादर ने उसके साथ साथ एक बात और मुझे बाइबल प्रेजेंट करने के साथ साथ पापा ने एक बात कही, बेटा तुम कितने भी व्यस्त हो तो भी एक दिन में कम से कम 5 अध्याय पढ़ना। मुझे खुशी है कि पापा ने मुझे बाइबल दिलाया और मुझे शिक्षा दी। मैं दिन में 5 अध्याय पढ़ने लगा 10th में। 11th में आते आते 5 का 10 हो गया। BSc आते आते जब आप एक पुस्तक को कई बार पढ़ लेते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। BSc में आते आते मैंने एक दिन में 1 घंटा अलग कर रखा था। 1 घंटे में आराम से 25 अध्याय पढ़ लेता था। हाँ, मैं मिक्स करता था, ऐसे पुस्तक जिसमें लंबे अध्याय हैं, ऐसे पुस्तक जिसमें छोटे अध्याय हैं, इनको कंबाइन करो तो बड़े आराम से आप एक दिन में 25 पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे जितने श्रोता हैं सभी लोग एक दिन में 25 अध्याय पढ़ें, लेकिन मेरा एक अनुरोध हर व्यक्ति से है, जब दुनियावी बातों को हम इतना अधिक समय देते हैं, तो सांसारिक बातों को जब समय देते हैं तो आत्मिक बातों के लिए तो निश्चित रूप से हमें समय देना चाहिए। उसकी एक तुलना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जितने बैठे हैं ये सभी लोग अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को और अपने परिवार के सदस्यों को उनकी पढ़ाई के बारे में कुछ ना कुछ सुझाव देते रहते हैं। यदि आपका बच्चा, आपकी बच्ची, या आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, या भांजा या भांजी दिन में यदि 1 घंटा पढ़े और 5 घंटा खेले, आप खुश होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों?
इसलिए कि यदि 1 घंटा पढ़े 5 घंटा खेले तो निश्चित रहे कि वो फेल होगा और निश्चित है कि वो जीवन में कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि 1 दिन में 5 घंटा पढ़े और उसके बाद 1 घंटा खेले तो आपको शायद आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यदि बच्चा घर आकर 5 घंटा मेहनत से पढ़ाई करे, 5 नहीं इवन यदि 3-4 घंटा मेहनत से पढ़ाई करे तो उसके बाद वो घंटे भर खेल ले, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। आत्मिक जीवन का भी यही हिसाब है। आत्मिक जीवन में प्रभु ने मेरे आपके लिए अपना वचन दिया है और आज 21वीं शताब्दी में एक विशेष बात यह है कि दुनिया में लगभग सभी लोग ये कह सकते हैं कि प्रभु का वचन मेरी मातृभाषा में उपलब्ध है। कोई भी भारतीय ये नहीं कह सकता कि प्रभु का वचन मेरी मातृभाषा में उपलब्ध नहीं है। ऐसी बहुत सारी छोटी जनजातियों की बोलियां हैं जिसमें बाइबल का अनुवाद अभी भी हो रहा है, लेकिन इन जनजातियों में पले और पढ़े लिखे लोग वो लोग हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों में से कम 80 करोड़ लोग हिंदी बड़ी आराम से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। भले ही सब लोग बोल ना पाए लेकिन हिंदी हिंदुस्तान में जन जन की भाषा है। अपनी हिंदी में तो बाइबल के बहुत सारे ट्रांसलेशन अनुवाद उपलब्ध हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान के सभी मुख्य भाषाओं में पवित्र बाइबल उपलब्ध है और ऐसी बहुत सारी जो मुख्य भाषाएं नहीं हैं उनमें भी बाइबल उपलब्ध है। इसलिए 21वीं शताब्दी में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि प्रभु का वचन मेरी भाषा में उपलब्ध नहीं है। और चूंकि हम में से हर व्यक्ति की भाषा में उपलब्ध है, इस कारण प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ना अपने जीवन में कभी भी न भूलें। हफ्ते में यदि 1 दिन किसी नौकरी यात्रा के कारण यदि आप पढ़ नहीं पाते, कोई बात नहीं है, अगले दिन दोबारा दुगना समय निकालकर दुगना पढ़ लीजिए, जिससे आप पवित्र बाइबल को कंप्लीट पढ़ सकेंगे। जब मैं कह रहा हूँ पवित्र बाइबल को कंप्लीट पढ़ लें या पूर्ण पढ़ लें, तो भीड़ में बैठे हुए कई लोग शायद ये पूछेंगे कि शास्त्री सर आप कैसी बात कर रहे हैं, इस संपूर्ण ग्रंथ को पूरा पूरा कौन पढ़ सकता है? मेरा जवाब है, इस संपूर्ण ग्रंथ को यहाँ बैठा हुआ बड़ा बच्चा हर व्यक्ति पढ़ सकता है। अरे आप कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं शास्त्री सर, इतने बड़े ग्रंथ को कोई पढ़ सकता है? कि जी हाँ पढ़ सकता है। कैसे? यदि प्रतिदिन 15 मिनट, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो 5वीं पास है और 5वीं के ऊपर पढ़े हैं, वो लोग यदि अपनी मातृभाषा में इस महान ग्रंथ को प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ेंगे तो 1 साल में कंप्लीट बाइबल समाप्त हो जाएगा। आप पूछेंगे कि आज शाम को तो आप मजाक के मूड में मालूम पड़ते हैं। जी नहीं, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और प्रभु के वचन से संबंधित तो मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए, संपूर्ण बाइबल को ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है। संपूर्ण बाइबल को ऑडियो रिकॉर्ड करने में सिर्फ 85 घंटे लगते हैं। मतलब संपूर्ण बाइबल यदि आप ऑडियो सुने तो सिर्फ 85 घंटे लगते हैं, मान लीजिए 90 घंटे लगते हैं, ठीक है? तो 90 को यदि आप 4 से गुणा करेंगे तो 360। इसका मतलब यह है कि यदि आप प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ते हैं, 360 दिन में 90 घंटे हो जाएंगे, कंप्लीट बाइबल आप पढ़ सकेंगे। इसलिए जब मैं आपसे पूछता हूँ कि कंप्लीट बाइबल आपने पढ़ा है क्या या कंप्लीट बाइबल पढ़ने का प्लान बनाया है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ें। और यदि इस सभा में ऐसा कोई भाई या ऐसी कोई बहन है जिसने कंप्लीट बाइबल को कम से कम 1 बार नहीं पढ़ा है, तो उसका मतलब यह है कि प्रभु के वचन के पढ़ने को आपने हल्के से लिया है और इस कारण आपने प्रभु के वचन को कंप्लीट नहीं पढ़ा है। अरे जनवरी से यदि आप प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ते तो साल भर में आप उसे पूरी तरह से पढ़ लेते, और यदि पढ़ नहीं पाए
तो इसका मतलब है कि प्रभु के वचन के मामले में हम बहुत अधिक लापरवाह हैं। जिनके घर में अखबार आता है वो लोग कम से कम 15 मिनट अखबार तो पढ़ते हैं, बल्कि मैं अक्सर लोगों से पूछा करता हूँ कि भैया अखबार कितनी देर पढ़ते हो, तो वो तो कहते हैं कि कम से कम आधा घंटा पढ़ते हैं। भाई साहब पैसा खर्च करते हैं और इसलिए पैसा वसूल करना हो तो कम से कम आधा घंटा पढ़ते हैं। लोगों से मैं पूछता हूँ कि भाई टीवी 15 मिनट देखते हो क्या प्रतिदिन, वो तो वो पलट के जवाब देते हैं, शास्त्री सर मजाक कर रहे हैं क्या, हमने केबल लगवा रखा है उसका पैसा वसूल करना हो तो आधे घंटे से एक घंटा तो प्रतिदिन देखना जरूरी है। देखिए दुनिया में जो 4 कौड़ी हम अखबार वालों को देते हैं या टीवी के केबल के लिए देते हैं उसकी कितनी कीमत है, उसको पैसा वसूल करना है। संसार के सृजनहार ने इस संसार में आकर सूली पर मेरे और आपके लिए अपना जीवन अर्पित किया और उसके बाद मुझे और आपको नया जीवन या नव जीवन दिया, उसको हम कितना हल्के से लेते हैं। एक दिन प्रभु को 15 मिनट देने से हिचकिचाते हैं। आज ये बात मैंने इसलिए कही कि अक्टूबर का आखिरी संडे है, ठीक है, अगले 2 महीने में बाइबल को तेजी से पढ़ने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। तेजी से का मतलब यह नहीं है कि अध्याय का पहला पद पढ़ा छोड़ा, उस आखिरी पद पढ़ा अगले अध्याय पे चले गए, ऐसा नहीं। नियमित रूप से जरा घड़ी रखकर पढ़ने की आदत डालिए। प्रभु ने मदद की तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते, दिसंबर आखिरी हफ्ते मैं इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को एक चार्ट दूंगा। एक्स्ट्रा चाहिए एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा, जिससे आप अपने घर वालों को भी दे सके। उस चार्ट में बाइबल के अध्यायों का बाकायदा उसकी लिस्ट है, तो उसमें जो अध्याय बताए हैं उसके अनुसार आप पढ़ते चले जाएं, साल भर में कंप्लीट बाइबल बड़े आराम से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उस चार्ट के इंतजार में रहें, मुझे तैयार करना पड़ेगा, प्रार्थना में लगे रहें, लेकिन अगले 2 महीने प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ने की प्रैक्टिस डाल लें, जिससे कि प्रभु ने यदि हमको सन 2020 दिया तो इस 2020 में हम अनिशासित रूप से प्रभु के वचन को पढ़ सकें। अनिशासित रूप से प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में जो अनुग्रह आएगा उसकी कोई सीमा नहीं है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। उसका एक उदाहरण मेरे स्वयं का जीवन है। मैंने आपने देखा होगा साल में जो 52 संडे है उसमें कम से कम 45 संडे मैं यहाँ संदेश देता हूँ, और इन 45 संडेज में मैं जो संदेश देता हूँ वो कभी दोहराता नहीं, रिपीट नहीं करता। ये 45 नए संदेश कहाँ से आते हैं? और यदि आपको लगता है कि मैं साल भर में सिर्फ 45 संदेश देता हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। साल भर में मैं लगभग 200 क्लास लेता हूँ, सिर्फ यहाँ पे नहीं और भी कई जगह लेता हूँ। यहाँ भी संडे सुबह मैं प्रभु के वचन से एक मनन रखता हूँ जो मैंने कभी रिपीट नहीं किया है। ये 200-250 संदेश, नए संदेश प्रभु के वचन से कैसे मिलते हैं, कहाँ से आते हैं? उसका उत्तर है, जब मैं BSc में था तब मैंने अपने जीवन में प्रभु के प्रति एक समर्पण किया था। हे प्रभु, मैं नियमित रूप से आपके वचन को पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके साथ साथ मैंने एक आदत डाल दी थी, आदत मुझे 9वीं क्लास से ही स्टार्ट हो गई थी। मैं जब भी जहाँ भी प्रभु के वचन को लेकर बैठता था वहाँ साथ में एक डायरी और एक पेन लेकर बैठता था। जो भी प्रभु के वचन को पढ़ने के साथ पढ़ते समय प्रभु मन में जो प्रकाश देते थे उस प्रकाश को मैं नोट करता चला जाता था। पिछले लगभग 50 सालों में ये जो आदत मेरे जीवन में रही उसके कारण साल में यदि 200-250 संदेश देने पड़े तो उसके लिए पर्याप्त सामग्री प्रभु से मिल जाती है, और चूंकि मैंने लिख रखा है तो मैं भूलता नहीं हूँ। हाँ, आजकल डायरी के बदले मैंने आदत
बदल ली है, ये कुछ साल पहले आदत बदल ली थी। लूज पन्नों पर लिखता हूँ, पन्ने के ऊपर लिखता चला जाता हूँ कि विषय क्या है, और घर जाके अलग अलग विषय को अलग अलग फाइलों में रख देता हूँ। उससे मुझे और फायदा है, यदि बाइबल स्टडी लेनी है तो बाइबल स्टडी वाला फाइल खींच लो, विवाह का संदेश देना है तो विवाह वाला फाइल खोल लो, और यदि किसी की मृत्यु पर संदेश देना है तो मृत्यु से संबंधित प्रभु ने जो मुझे प्रकाश दिया है उसको खोल लो, यदि जवानों के बीच में संदेश देना है उस फाइल को खोल लो। ठीक है, तो आज यहाँ जो लोग संदेश सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ें, प्रभु उसमें से जो प्रकाश देते हैं उसको एक डायरी में या नोटबुक में नोट करते चले जाएं। क्यों, आप पूछेंगे शास्त्री सर मैं कोई आपके समान थोड़ी पुलपिट पे खड़े होके संदेश देने जा रहा हूँ। यदि भाइयों और बहनों में से कोई इस तरह से सोचता है तो मैं पलट कर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन, कल आपके जीवन में क्या होगा या बता सकते हैं क्या? जब आपको नहीं मालूम कि कल क्या होगा तो आप कैसे कह सकते हैं दावे के साथ कि कोई फायदा नहीं है, मुझे अवसर नहीं मिलेगा। मैं जब नवी में पढ़ता था तब मुझे थोड़ी मालूम था कि किसी दिन मैं पुलपिट में खड़ा होऊंगा। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में बाकायदा कॉपी डायरी बाइबल के साथ रख के सब नोट करने लगा था तब थोड़ी मुझे मालूम था कि कल क्या है, कल मैं इस तरह से पुलपिट में खड़े होकर संदेश दूंगा, कल किसी ने नहीं देखा है। इतना ही नहीं, प्रभु के वचन से हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसका क्या उपयोग होगा ये भी किसी ने नहीं जाना है, सिर्फ पुलपिट में नहीं कई जगह उपयोग होता है। तो आज मैंने ये लंबी भूमिका इसलिए दी कि आज इस सभा में जो उपस्थित हैं इनमें से कई लोग हाथ में बाइबल लिए हुए हैं, उनकी जेबों में पेन लगा हुआ है, आप लोग इसके लिए उपयुक्त लोग हैं कि नियमित रूप से प्रभु के वचन का अध्ययन करें और यह हमारे जीवन में एक आदत बन जाए। ठीक है, पिछले हफ्ते अपन ने एक सूबेदार के बारे में सुना था, उस सूबेदार की विशेषता क्या क्या थी, उस सूबेदार के बारे में हमने ये देखा था कितना बड़ा अफसर था, कितना बड़ा अफसर, लेकिन वो अपने दास के लिए प्रभु से अनुरोध करने के लिए पहुंचा, और दास के लिए प्रभु से अनुरोध करने के लिए पहुंचा, प्रभु ने कहा कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारे दास को चंगाई दूंगा और उसके लिए मैं तुम्हारे छत तले आऊंगा। अरे वो बोला हे प्रभु, संसार का सृष्टिकर्ता मेरे छत के तले आए, गजब हो जाएगा प्रभु, आप तो सृजनहार हैं, पालनहार हैं, तारणहार हैं, खड़े खड़े आज्ञा दे दीजिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ठीक है, आज मैं आपके आप पूछेंगे शास्त्री सर बीच में आप कुछ तो हरकत कर रहे हैं, ये डायरी क्यों आप खींच के देख रहे हैं? हर चीज़ में, जीवन में हर चीज़ में प्लान होना चाहिए। ठीक है, ये इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस डायरी में प्रभु यीशु की जीवनी क्रम से लिस्ट की हुई है, जिसमें देखकर मैं डिसाइड करता हूँ कि किस दिन क्या संदेश देना है। आप पूछेंगे कि अच्छा ऐसा है क्या, तो हमको भी ये डायरी मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। जनवरी में मैं आपको चार्ट दूंगा, और यदि अगले दिसंबर यदि आप आके कहते हैं कि शास्त्री सर मैंने कंप्लीट बाइबल एक बार पढ़ लिया, तो उसके बाद प्रभु यीशु की जीवनी का ये चार्ट मैं आपको दे दूंगा, जिसमें चारों गॉस्पल्स को कंबाइन करके बताया गया है, उस प्रभु यीशु की जीवनी को, शुरू में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। यदि यहाँ बैठे हुए भाई बहन लोग प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं तो हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आज के अध्ययन के लिए नए नियम के तीसरी पुस्तक लूका उसके सातवें अध्याय को खोल लीजिए। लूका द्वारा लिखित शुभ संदेश सातवां अध्याय,
जिनके पास नहीं है वे लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि जो भी पोर्शन मैं यहाँ जिस पोर्शन से भी संदेश दूंगा वो वैसे भी मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। सातवें अध्याय के 11वें पद में हम देखते हैं, थोड़े दिन के बाद प्रभु नाइन नाम के एक नगर को गए। उनके चेले और बड़ी भीड़ उनके साथ जा रही थी। आप कहेंगे कि शास्त्री सर, मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूँ उसमें आप जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर सिर्फ आदर सूचक वाक्यों का है। आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं उसमें प्रभु के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें प्रभु के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। मैं जो पढ़ रहा हूँ ये शास्त्रीय अनुवाद है, ठीक है। आप कहेंगे हमको कॉपी मिल सकती है कि क्यों नहीं, तो कुछ साल वेट कीजिए, कॉपी जब छप जाएगी तब हम आपको देंगे, शायद मोबाइल पर बहुत जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, आज आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं, आज चूंकि मैं प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूँ, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के बारे में जब हम बोलते हैं तब आदर सूचक शब्दों का प्रयोग जरूरी है। ईसाइयों के अलावा हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के अनुयायियों को अपने संतों, भक्तों, देवी देवताओं के बारे में बिना आदर के बोलते सुना है क्या? प्रभु यीशु बोलने लगा, कई बार मसीही लोग पुलपिट में आके प्रभु बोलने लगा, अरे हिंदुस्तान में और कोई व्यक्ति है क्या जो इस तरह से अपने प्रभु के बारे में बोलता है? नहीं। हम क्यों बोलते हैं? इसलिए कि हमको अंग्रेजों ने सिखाया कि आदर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को भी मैं आज बताना चाहता हूँ। अंग्रेज की बीबी जब शादीशुदा घर में आती है नकेल बीबी के हाथ में होती है। यदि पति का नाम जॉर्ज है तो पति को जॉर्ज इधर आओ कह के बुलाती है। हिंदुस्तान में कोई इस तरह से बुलाता है क्या? हम हिंदुस्तानी लोग दूसरों को आदर देते हैं। जिस समाज के लोग दूसरों को आदर नहीं देते उन्होंने हमको सिखाया कि प्रभु के प्रति बिना आदर के बोलो, ऐसा ना करें, ठीक है। तो मैं आदर सूचक शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हूँ वो मैं अपने अनुवाद में से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बहुत जल्दी ये अनुवाद मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है। प्रभु यीशु नाइन नाम की एक जगह पर गए और प्रभु जहाँ भी जाते थे वहाँ बड़ी भीड़ प्रभु के साथ जाती थी। उस नगर के फाटक के पास पहुँचे तो लोग एक मृतक को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था। माँ विधवा थी और नगर के बहुत सारे लोग अर्थी के साथ थे। नगर के फाटक का मतलब है उस जमाने में शहरों के चारों तरफ किले होते थे। अभी भी अपन जानते हैं अपने गांवों में और शहरों जाएं तो वहाँ कई जगह नगरों के चारों तरफ किले होते हैं। यदि लोग किले के बाहर रहते भी हैं तो गांव की बाउंड्री पर किले देखे जा सकते हैं। हमारे चंबल इलाके में आप जाएं तो लगभग जहाँ भी आप मुड़ के देखें वहाँ पुराने ज़माने के किले आपको दिख जाएंगे जो आज से 400 या 500 साल पहले के नगर थे। किले के फाटक के पास सारी जनता एकत्रित होती थी। प्रभु संसार में पधारे थे जनता के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जनता को मुक्ति देने के लिए, जनता को अपनी शिक्षा देने के लिए। इस कारण प्रभु फाटक के पास आए थे और फाटक के पास आए तो एक मृतक व्यक्ति को उसके अर्थी ले जा रहे थे। उस मृतक व्यक्ति की दो तीन विशेषताएं यहाँ प्रभु के वचन में बताई है। एक तो ये कि वो स्वयं मृतक था, नंबर दो वो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था। हम इस ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, इसका महत्व अपन भारतीय लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यदि एक माँ या बाप का एकमात्र पुत्र यदि उनके जीते जी गुजर जाए तो उनके जीवन में तो अंधकार हो जाता है। आज से 2000 साल पहले ये जो स्त्री थी, इसके एकमात्र पुत्र जब गुजर गया तो स्वाभाविक है यदि आज ऐसी स्थिति है तो 2000 साल पहले तो अंधकार ही अंधकार छा गया। उसके साथ साथ एक और मुसीबत थी,
वहाँ लिखा है कि वो स्त्री विधवा थी, मतलब पति गुजर गए थे। आज से 2000 साल पहले यदि एक स्त्री का पति गुजर जाता तो उसको तो फिर जीने के लिए बड़ी मुसीबत होती थी। तो एक तरफ से जीने के लिए मुसीबत, दूसरी तरफ कुल मिलाकर उसको जो सहारा था वो बेटा गुजर गया, सभी लोग बहुत दुखी थे। ये माँ और बेटे, इनको शहर के लोग कितना प्यार करते थे, इसका उदाहरण आगे लिखा है। आगे देखते हैं, उसी पद के आखिर में लिखा है, नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। अपन जानते हैं जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन जनरली लोग आके दर्शन करके चले जाते हैं। सिर्फ नाते रिश्तेदार और खास दोस्त हैं जो अर्थी के साथ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो, यदि कोई व्यक्ति बहुत दयालु हो, यदि कोई व्यक्ति बहुत करुणामय हो, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरों की बहुत अधिक मदद की हो, तो जिन लोगों ने उस व्यक्ति की मदद पाई है या उस व्यक्ति का स्नेह का अनुभव किया है, वो लोग भी अर्थी के साथ जाते हैं। यहाँ लिखा है कि उस नगर के बहुत सारे लोग थे, इसका मतलब यह है कि ये माँ और बेटे जरूर लोगों के बीच में बहुत प्रिय लोग थे, और जन प्रिय होने के कारण जब अर्थी ले जा रहे थे तो जनता में से एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों के साथ जा रही थी। प्रभु ने ये सब देखा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 13वें पद में लिखा है, उसे देख प्रभु को तरस आया। प्रभु और उससे कहा, मत रो। किससे, यह स्पष्टतया नहीं बताया है। यह बात आपने ध्यान दी, हो सकता है प्रभु ने उस जवान की मां से बोला हो सकता है रिश्तेदारों से बोला हो सकता है जनता से बोला हो। संभावना इस बात की है कि प्रभु ने सब लोगों से कहा हो, रो मत। अपन एक गाना गाते हैं, रो मत विलाप करो मत। प्रभु जब पुनर्जीवित हो गए थे उसके बारे में है, लेकिन पुनर्जीवित होने से पहले ही प्रभु जहां भी गए वहां लोगों को जीवन देते जा रहे थे, इसलिए प्रभु ने कहा रो मत। उस भीड़ में जो लोग प्रभु को जानते थे वे लोग तो तुरंत समझ गए होंगे कि संसार के सृजनहार, जब एक मृतक के लिए जो लोग रो रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि रो मत, तो सृजनहार के मन में जरूर कोई ना कोई योजना होगी। कुछ लोग जो प्रभु को नहीं जानते होंगे उन्होंने सोचा होगा कि अरे ये कैसा व्यक्ति है, इस विधवा का बच्चा गुजर गया, उसका एकमात्र सहारा गुजर गया, लोग दुखी हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, और ये व्यक्ति कह रहा है कि रो मत रो मत। लेकिन हाँ, प्रभु के चेहरे पर जो तेज या जो ओज था, ओजस्वी प्रभु के मुंह पर जो ओज था, उसके कारण सामान्यतः कोई भी व्यक्ति प्रभु को टोकता नहीं था, इसलिए यहां प्रभु को किसी ने नहीं टोका। तब प्रभु ने उस मृतक के पास जाकर अर्थी को छुआ। तब तक वो चल ही रहे थे, प्रभु ने कहा रो मत। जो अर्थी ले रहे थे उन्होंने, अरे क्या रो मत बोल रहे हैं, ये गुजर गया है और हम जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आए। लेकिन जब प्रभु ने अर्थी को हाथ लगाया तब वो लोग रुक गए। रुकने के बाद प्रभु ने इमीडिएटली कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूं उठ। उसमें से जो लोग प्रभु को जानते थे वे लोग तो तुरंत समझ गए कि प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण यकीन है कि उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने प्रभु के दर्शन इसके पहले नहीं किए थे। ये जो रिकॉर्ड है प्रभु के वचन में, इसको जब अपन आगे को पढ़ते हैं तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमें से भीड़ में ऐसे कई लोग थे
जो प्रभु को नहीं जानते थे, जो नहीं जानते थे कि प्रभु सृजनहार हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। 15वें पद में हम देखते हैं वो मृतक उठ बैठा और बोलने लगा, तब प्रभु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। कैसी ताज्जुब की बात है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे उन्होंने तो इसके पहले ऐसी कोई घटना नहीं देखी थी कि कोई व्यक्ति आए, कितना भी दिव्य हो, कितना भी तेज या ओज से भरा हुआ ओजस्वी व्यक्ति क्यों ना हो, इसके पहले कभी किसी ने किसी मृतक से नहीं कहा कि बेटा उठ के बैठो, और यदि बोला भी होगा तो 100 बार बोलने के बाद भी मृतक उठकर नहीं बैठेगा। लेकिन ये कौन महान व्यक्ति है जिन्होंने लंबे चौड़े वाक्यों का प्रयोग करने के बदले सीधे सीधे कहा, पुत्र उठो और बैठो, और वो उठ गया, बैठ गया। तब प्रभु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। जरा जो लोग देख रहे थे पहले उनके मनों में क्या गुजर रही है इसको सोचें। जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, जब प्रभु ने ये अद्भुत कार्य किया तो पहली बार उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। जो लोग पहले से प्रभु पर विश्वास करते थे वे एक बार और समझ गए कि वाकई में प्रभु सृजनहार है, पालनहार है और तारणहार हैं। इसीलिए 16वें पद में लिखा हुआ है, इससे सब पर भय छा गया। भय क्यों छा गया? भाई देखिए, एक बात मैं बताऊं, आप में से किसी ने ऐसी कोई घटना नहीं देखी है इस कारण आपको शायद समझ में ना आए कि ऐसी घटना जब होती है तब लोगों की क्या हालत होती है। कम से कम मैं ऐसी 2 घटनाएं जानता हूं जहां मृतक को बाकायदा ताबूत में रखकर उसके लिए उसको दफनाने से पहले बाकायदा प्रार्थ वहाँ गाने गाए जा रहे थे, संदेश सुनाए जा रहे थे कि वो जो मृतक है हिलने लगा और उसके पैर हिलने लगे। ऐसी कम से कम 2 घटनाएं मैं जानता हूँ। उसके पैर हिलने लगे तो कम से कम भीड़ में जो लोग थे उसमें से 100 लोग तो वहीं बेहोश हो गए। बाकी कुछ थे जो बहुत ही ज़्यादा, जिनका स्टील का कलेजा था, उन्होंने देखा कि ये हिल क्यों रहा है। तब अचानक समझ में आया कि अरे ये तो जिंदा है, हम तो इसे मुर्दा समझे थे, उसको उठा के बैठा दिए, ठीक है। तो जो जिंदा था उसको मुर्दा समझने के बाद जब उसके पैरों में हलचल हुई तो कम से कम 100 लोग बेहोश हो गए। तो यदि जो वाकई में मृतक है उसको हाथ लगा के कोई कहे कि जवान उठ जाओ, और यदि उठ जाए तो लोगों के ऊपर भय तो छाएगा, उनके मन को हम समझें। लेकिन जब प्रभु के बारे में भय छा गया, उसके साथ साथ एक बात और हुई। वहाँ लिखा है वे सब परमेश्वर की, प्रभु की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता उठे हैं और परमेश्वर ने या प्रभु ने हम लोगों पर कृपा दृष्टि की है। ये है सोचने का सही तरीका। डर गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ था उसको सोचा तो वो लोग समझ गए कि प्रभु यीशु परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति हैं। और वे लोग ये भी समझ गए कि प्रभु यीशु के इस संसार में पधारने के द्वारा प्रभु का अनुग्रह हम सबके ऊपर हो गया है, होने वाला है, होगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि वे सब परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता उठे हैं और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। इस घटना से हम कई बातें समझ सकते हैं जो अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन बातों को आपके सामने रखने से पहले पिछले हफ्ते हमने जिस घटना का अध्ययन किया था, एक क्षण के लिए आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां सूबेदार का नौकर बीमार था
प्रभु को ये बात मालूम थी या नहीं मालूम थी? प्रभु सर्वज्ञानी हैं, प्रभु को ये बात मालूम थी कि सूबेदार का दास बीमार है, प्रभु को ये बात भी मालूम थी कि सूबेदार आने वाले हैं, फिर प्रभु ने क्यों नहीं खड़े खड़े दास को चंगा कर दिया सूबेदार के आने के पहले? इसके पीछे एक कारण है। प्रभु कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है। ये सूबेदार प्रभु के बारे में जानता था, लेकिन वो जो जानता था प्रभु उस बात को कंफर्म करना चाहते थे, उसकी पुष्टि करना चाहते थे कि मैं वाकई में संसार का सृष्टि करता हूँ। और इस तरह से प्रभु इस बात की पुष्टि करके उस सूबेदार को सच्चे नए जीवन के प्रति आकर्षित करना चाहते थे। इसलिए पिछली घटना में प्रभु ने तब तक इंतजार किया जब तक सूबेदार प्रभु के पास आ नहीं गया। आज की घटना में प्रभु ने किसी के इंतजार नहीं किया। प्रभु संसार के सृजनहार हैं, प्रभु सर्वज्ञानी हैं, प्रभु समझते हैं कि हर एक के दिल में क्या गुजर रही है। प्रभु इस बात को जानते थे कि इस विधवा का बच्चा जो गुजर गया है, यदि वो मां लोगों से कहे कि जरा प्रभु से जाके याचना करो, दो लोग एग्री होंगे, आठ लोग कहेंगे क्या याचना करो, गुजर गया है अब तो उसको दफनाना ही है। क्यों? इसलिए कि उस भीड़ में ऐसे कई लोग थे जो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। इस कारण यदि उस मां की इच्छा होती तो भी लोग उसको दबा देते, नहीं 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 क्या जाना है, वो है ये है, और घर के बड़े बुजुर्ग कहते कि अरे बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो गुजर गया वो गुजर गया, जिसको प्रभु ने बुला लिया है, और उसके गुजरने के कारण तुमको जो सदमा पहुंचा है उसके कारण तुम उल्टा सीधा बोल रही हो। इसलिए ना तो वो माँ बोल पाई, ना उस परिवार में जो लोग है ये सोच पाए या बोल पाए कि प्रभु से याचना करो, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। इस बात को प्रभु जानते थे और इस कारण बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के बताए, सर्वज्ञानी प्रभु उस जगह पर उपस्थित हो गए जहां से उसकी आरती निकलने वाली थी। और जब आरती निकली तो प्रभु वहां पहुंचे ही थे उसको जीवन देने के लिए, और जब रोना धोना और देखा तो प्रभु को और दया आई, रुकने को बोला, आरती को छुआ, उठ बैठो जवान बोला, वो उठ बैठा, उसको नया जीवन मिला, उसको माँ के हाथ में अर्पित कर दिया। इन दोनों घटनाओं की तुलना से हम कई सारी बातें सीखते हैं। पहली बात यह कि वो व्यक्ति धन्य है जो पहले से प्रभु को पहचानता है, सूबेदार। और इस कारण उस शहर में 50 नौकर लोग बीमार पड़े होंगे, लेकिन चंगाई मिली उसके दास को। क्यों? इसलिए कि वो जानता था और जानने के कारण वो प्रभु के पास गया। लेकिन दूसरी ओर ये महिला ऐसी थी जिस यदि बालक के पुनर्जीवन की बात करती तो अभी लोग उसका विरोध करते। इस कारण उस बात को समझकर जाकर प्रभु ने उसकी मदद की। ये मेरे और आपके जीवन के दो पहलुओं को बताता है। पहला पहलू यह है कि जब हमारे जीवन में कोई जरूरत आती है तो उस सूबेदार के समान हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से याचना करें। हाँ, जोर जबरदस्ती ना करें, हे प्रभु चंगाई दें तो मेरा बेटा बीमार है, प्रभु उसको चंगाई चाहिए, और प्रभु आज उसको चंगाई 9 से पहले दे देना क्योंकि 10 मुझे मनोरंजन के लिए जाना है। प्रभु से याचना या प्रार्थना करना ये तमाशा नहीं है, आत्मिक जीवन एक नाटक नहीं है। इस बात को हम याद रखें। जिस तरह से सूबेदार ने बिना शर्त रखे प्रभु से याचना की थी, उसी तरह जब हम प्रभु से याचना करते हैं तब बिना किसी तरह का शर्त रखे हुए प्रभु से याचना करें।
और जब हम इस तरह से प्रभु से याचना करेंगे तब ऐसी भी कई सारी बातें होंगे हमारे जीवन में जिसके लिए प्रभु से हम विनती करना या याचना करना भूल गए होंगे। ऐसा होता है, कई बार सोच समझ कर लिखने के बाद भी या प्रार्थना करने के बाद हम भूल जाते हैं। जिसने भी बच्चे की शादी की है वो इस बात को जानता है कि शादी से पहले आप बाकायदा 10 लोगों के साथ बैठ के लिस्ट बनाएं, उसके बावजूद कोई ना कोई नाम छूट जाता है और आखिर में याद आता है, अरे बाप रे फलाने को तो अपन ने निमंत्रण ही नहीं दिया, जबकि उसको तो सबसे पहले बुलाना चाहिए था। ठीक है, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य की सीमा है। मैंने 2 बच्चों की शादी करवाई है इसलिए मैं जानता हूं, कई बार ऐसा होता है। इस कारण जब जानी हुई बातों में हम प्रभु से विनती करते हैं तो अनजान बातों में जिस तरह से उस महिला के ऊपर प्रभु ने अपनी करुणा दिखाई थी, उस बालक के ऊपर अपनी करुणा दिखाई थी, उसी तरह से प्रभु हमारे ऊपर करुणा दिखाते हैं। ये 2 बातें हैं जो इन दोनों घटनाओं के द्वारा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन एक तीसरी बात भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु इस संसार में पधारे थे सिर्फ शारीरिक चंगाई देने के लिए पधारे थे क्या? नहीं नहीं, प्रभु इस संसार में पधारे सिर्फ जो गुजर गए थे उनको पुनर्जीवित करने के लिए आए थे क्या? नहीं नहीं, प्रभु के इस संसार में आने का एक और उद्देश्य था जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं कहा था, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु ने एक महिला से कहा था, मैं जो जल दूंगा, जो जीवन का जल है, जो उसको पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, उसमें से जीवन जल की धाराएं बहेंगी। इन सब का क्या मतलब है? प्रभु से मिलने के लिए एक रात एक बहुत बड़े विद्वान पधारे थे, उस विद्वान का नाम अपन सब जानते हैं, निकोदेमस, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी थे। प्रभु ने उनसे क्या कहा? प्रभु ने उनको बताया कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए एक नया जन्म जरूरी है। मृत्यु से जीवन में आना ये तो जीवन की जरूरत, यदि हो सके तो अच्छी बात है कि वो जीवन मिल गया उसको, लेकिन प्रभु हम में से हर व्यक्ति को एक और प्रकार का जीवन देना चाहते हैं, वो है शाश्वत जीवन, अनंत जीवन। अच्छा एक बात बताइए, ये जो बच्चा या जवान जिसे प्रभु ने जीवित किया था वो आज भी जिंदा है क्या? अरे आज भी जिंदा होता तो सारी दुनिया में बड़ा अजूबा होता, बाकायदा अखबारों में आता 2000 साल जिसकी उम्र है उस आदमी के दर्शन करने के लिए यरूशलेम चले जाओ या नाइन नाम के शहर में चले जाओ, वो तो करोड़पति अरबपति हो गया होता। उसको प्रभु ने पुनर्जीवित किया लेकिन उसके बाद 40, 50, 60 या 70 साल के बाद वो फिर से सामान्य उम्र में आने के बाद बुढ़ापे में गुजर गया होगा। तो प्रभु ने उसको जो जीवन दिया, क्या वैसा जीवन मुझे आपको देना चाहते हैं? नहीं, प्रभु मुझे और आपको जो नया जीवन देना चाहते हैं वो शाश्वत है। इस जवान को जो जीवन दिया था वो सीमित था, 50, 60 या 70 साल के बाद जब वो बूढ़ा हो गया उसके बाद वो गुजर गया। लेकिन प्रभु लोगों को ना केवल उस तरह का जीवन देते हैं, प्रभु इस संसार में हर व्यक्ति को शाश्वत जीवन देते हैं जिसके बारे में यूहन्ना नामक पुस्तक के 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो नष्ट न हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। इसी के बारे में उसी पुस्तक के 1 अध्याय में लिखा हुआ है, जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया
उन लोगों को प्रभु ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। इन सब चीज़ों को अपन जब उनकी तुलना करके अध्ययन करते हैं तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, हर मनुष्य को शाश्वत जीवन की जरूरत है, नए जीवन की जरूरत है। देखिए, अपन सब ये संसार छोड़ जाएंगे। मैं 66 साल का हूँ, आपको क्या लगता है कि अगले 66 साल मैं इस पुलपित में संदेश दूंगा क्या? 66 साल और हो जाएंगे तो उसका मतलब 132 साल, 132 साल तक कोई जीता है क्या भला? कोई नहीं जीता है। ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। लेकिन हाँ, मुझे प्रभु ने एक और जीवन दिया है जो शाश्वत काल तक मेरे साथ रहेगा। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जब मैं 6 साल का था उस समय मैंने पापा से पूछा, पापा स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूँ? पापा ने कहा, बेटा प्रभु तुमको एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो सदा सर्वदा के लिए है। उसी के लिए तो प्रभु यीशु संसार में पधारे थे, सूली पर अपना जीवन दिया था, तुम्हारे पाप के लिए बेटा, मेरे पाप के लिए, तुम्हारे पाप के लिए। और इसलिए यदि अभी तुम घुटने टेक कर प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लोगे तो बेटा वो नया जीवन तुमको मिल जाएगा। आज से 60 साल पहले पापा के बगल में घुटने टेक कर मुझे बोलना भी नहीं आता था ठीक से। पापा ने बताया कि मैं कैसे प्रार्थना करूँ, मैंने प्रार्थना की, तब से मेरे जीवन में एक नई खुशी और एक नई शांति है। प्रभु संसार में जो पधारे थे उसका मुख्य लक्ष्य जो मरे हुए लोग थे उनको अगले 50-60 साल के लिए जिंदा करना नहीं था, वो तो उनके कार्यों में से एक था, अद्भुत कार्यों में से एक था। लेकिन प्रभु के आने का मुख्य उद्देश्य मुझे और आपको सदा सर्वदा के लिए जीवन देना है, जिसको शाश्वत जीवन या आनंद जीवन कहा जाता है। आज इस संध्या सभा में, सत्संग में जो लोग एकत्रित हैं, इनमें से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस नव जीवन को पाया है, जिन्होंने इस नए जीवन का अनुभव किया है। वे लोग इस नए जीवन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इस कारण मेरा अनुरोध है कि भाई और बहनों में से यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इस नए जीवन का अनुभव नहीं किया है तो सत्संग के बाद या तो मुझसे मिल लें या अन्य भाई बहनों से मिलकर बात करें, वो आपको समझा देंगे। लेकिन इस नव जीवन को पाए बिना इस सभा से घर ना जाएं। तो आइए एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, अपन ने आज 3 बातें देखी। नंबर 1, कई बार प्रभु इस बात का इंतजार करते हैं कि हम अपनी जरूरत को पहचान कर प्रभु के पास जाकर याचना करें, जिससे कि प्रभु हमारी जरूरत पूरी कर सकें और हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर बढ़ सके। सूबेदार वाली घटना से हम ये बात सीखते हैं। लेकिन वो जो 9 में प्रभु ने जिस मृतक को छूकर चंगा किया बिना किसी की याचना के, वो इस बात को याद दिलाता है कि मेरे आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी जरूरतें हैं जिसके बारे में या तो हम जानते नहीं हैं या जिसके बारे में प्रार्थना करना हम भूल गए। प्रभु इस बात को जानते हैं और इस कारण प्रभु हमको जो चाहिए वो देंगे आप। और तीसरी बात यह है कि यदि प्रभु इस संसार में एक अस्थाई 50 या 60 साल का जीवन देने के लिए नहीं, प्रभु संसार में पधारे थे शाश्वत जीवन देने के लिए। आज संध्या को ये शाश्वत जीवन पाने के लिए उन लोगों की मदद करें जिन्होंने आज तक इसे नहीं पाया है। क्लोजिंग से पहले मैं फिर से याद दिला दूं, प्रिय भाई प्रिय बहन, यदि आपने संपूर्ण बाइबल पढ़कर ख़त्म नहीं किया है तो उसका मतलब यह है कि दुनिया की बेकार की बातों के लिए आप समय देते हैं, प्रभु के वचन के लिए प्रतिदिन 15 मिनट भी नहीं दे रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। इस कारण आइए ठान लें कि मुझे प्रभु का वचन साल में कम से कम एक बार पढ़ना है। उसकी प्रैक्टिस के लिए अगले 2 महीने जम कर बाइबल पढ़ें, थोड़ी सी स्पीड आ जाए
प्रभु ने मदद की तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मैं वो चार्ट आपको दे दूंगा जिसकी मदद से आप कंप्लीट बाइबल पढ़ सकते हैं। आप पूछेंगे चार्ट क्यों शास्त्री जी, उसके पीछे कारण है। बाइबल की कुछ पुस्तकों में लंबे अध्याय हैं, कुछ में छोटे अध्याय हैं। तो यदि 5 अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं तो यदि 3 लंबे अध्याय और 2 छोटे अध्याय को कंबाइन करके पढ़ा जाए तो पढ़ने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। नहीं तो हम थक भी सकते हैं और थक गए तो बीच में ही वो दौड़ छोड़कर हम हो सकता है मैदान से भाग खड़े हों। इन बातों को समझने के लिए और इसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें।